नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यह मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सभी यूनिट थर्ड भारतीय प्रशासन में वर्णित केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में ये चर्चा में रहा है और आपको ध्यान रखना है, जो भी रिसेंट में बहुत चर्चित कमीशन आयोग रहते हैं, अगर आपके सिलेबस से मिल रहा है तो उससे प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती है। तो आज हम सभी केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रथम जो पॉइंट है, भ्रष्टाचार निवारण पर गठित किया गया था केंद्रीय सतर्कता आयोग को। नेक्स्ट पॉइंट है, संथानम समिति 1962-64 की अनुशंसाओं के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत 1964 में सीबीसी का गठन किया गया है। तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि सीबीसी को किस कमेटी के अनुशंसा पर गठित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, संथानम समिति। नेक्स्ट देखते हैं, 2003 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा सीबीसी का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो संवैधानिक दर्जा का तात्पर्य यह है कि ये संसद द्वारा बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग दे दिया जाएगा, ऑप्शन में दिया जाएगा, एक संवैधानिक निकाय है कि सांविधिक निकाय है या न्यायिक निकाय है, तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय सतर्कता आयोग का क्या चीज़ का दर्जा है, तो सांविधिक दर्जा है। संसद के एक अधिनियम से ये पारित हुआ है। कब हुआ है? 2003 में। तो दोस्तों, अब इनकी संरचना देख लेते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या है। तो सीबीसी एक बहु सदस्यीय संस्था है। इस संस्था एक अध्यक्ष जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा दो अन्य सदस्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर निर्मित होने वाली समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। तो एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा, दो अन्य सदस्य होते हैं जिसे सतर्कता आयुक्त कहते हैं, और इनकी नियुक्ति जो है, इनकी नियुक्ति कुछ कमेटी में सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष के रूप में होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, और लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं वो इनके सदस्य होते हैं। इन्हें नियुक्ति करने में, मतलब इलेक्टेड करने में, राष्ट्रपति इसे नियुक्त करती है। इस सदस्यों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में इस प्रकार भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश कौन से सदस्य करते हैं, तो प्रधानमंत्री हैं, केंद्रीय गृहमंत्री हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। तो आपको ये बातें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, इनके कार्यकाल। तो कार्यकाल है 4 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु। जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा 4 वर्ष, और जो अन्य दो सतर्कता आयुक्त हैं उसके 3 वर्ष हैं, लेकिन 65 वर्ष आयु रहेंगे। जो भी पहले हो तब ये होते हैं, तब तक ये अपने सीट पे रहते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर है जो आपको ध्यान में रखने हैं, कि वे अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात केंद्र या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। तो आपको ये बातें ध्यान रखना है, जो भी सदस्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन चुके हैं या सदस्य हैं रह चुके हैं, वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी किसी भी पद के लिए योग्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सीबीसी का जो अधिकार क्षेत्र है, इसके अंतर्गत कितने अधिकार क्षेत्र आते हैं वो देखते हैं। तो प्रथम जो पॉइंट है कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्य जो संघ के कार्यों के संबंध में सेवारत है तथा केंद्रीय सरकार के समूह का अधिकारी, जो ए समूह के अधिकारी हैं उन पे
इनका अधिकार क्षेत्र है। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्केल 5 स्तर के तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारी। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक नाबार्ड सिडबी में ग्रेड डी तथा उच्च स्तर के अधिकारी तक अधिकार क्षेत्र हैं इनके। नेक्स्ट है अनुसूची क ख सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक तथा कार्यपालक मंडल एवं E8 तथा इसके उच्च अन्य अधिकारी भी हैं। और नेक्स्ट है सामान्य बीमा कंपनी के प्रबंधक एवं इससे उच्च अधिकारी। इतने तक इनके अधिकार क्षेत्र CVC के आते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हम कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि CVC के कार्य क्या हैं। तो दो क्षेत्र में बांटा गया है CBI के संबंध में और सतर्कता के संबंध में। तो CBI के संदर्भ में क्या है मुख्य बातें कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत जांच के संदर्भ में दिल्ली विशेष पुलिस संस्था अर्थात जो गठित हुआ था पुलिस संस्था अर्थात CBI के कार्यों के अधीक्षण करना या लोक सेवकों के निश्चय वर्ग के लिए CRPC के तहत किए गए अपराध की जांच करना और उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु DSPE को निर्देश करना, वही दिल्ली विशेष पुलिस बल को निर्देश देना है। नेक्स्ट जो इनके कार्य हैं इसका जो कार्य संबंध है CBI के संबंध में, तो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत निर्दिष्ट किए गए अपराधों के लिए DSPE द्वारा संचालित जाँच प्रक्रियाओं की प्रगति हेतु निर्देश देना एवं समीक्षा करना। नेक्स्ट है दोस्तों इनके जो कार्य सतर्कता के संबंध में क्या है, तो यदि भारत सरकार के कार्यकारी नियंत्रण के अधीन किसी संगठन में कार्यरत किसी लोक सेवा पर भ्रष्ट तरीके से कार्य करने या अनुचित उद्देश्य हेतु कार्य करने संदेह किया गया हो या आरोप लगाया गया हो तो इससे संबंधित कार्यवाही हेतु जांच या पूछताछ आरंभ करना, ये CVC का अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं CVC की कार्य प्रणाली किस प्रकार ये करते हैं। तो प्रथम जो पॉइंट है CVC का मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है कि वो नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो चारित्रिक है न्यायिक है, चरित्र जो है न्यायिक है, इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है तथा यह अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट है यह केंद्र सरकार या उसके अधिकारियों से सूचना या रिपोर्ट की मांग कर सकता है ताकि सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी कार्य के संबंध में समान पर्यवेक्षण किया जा सके। समझ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है किसी संस्था द्वारा जांच की गई रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद CVC केंद्र सरकार या उसके अधिकारियों को आगे की कार्यवाही के लिए अनुशंसा प्रदान करता है। यदि वे CVC के परामर्श से सहमत नहीं है तो उन्हें उनकी असहमति का कारण बताना होता है। नेक्स्ट जो इनके कार्य प्रणाली है वह है CVC के प्रदर्शन की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये पॉइंट याद रखना है, पूछे जाते हैं केंद्र सरकार। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय या विभाग, केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी CBO जो सिविल विजिलेंस ऑफिसर होते हैं। यह CBO सतर्कता से संबंधित सभी विषयों में सचिव या कार्यालय प्रमुख की सहायता करता है और उन्हें परामर्श देता है। इसके साथ ही वह संबंधित संगठन के सतर्कता विभाग की अध्यक्षता भी करता है। तो दोस्तों आपको CVC के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी हो चुका होगा और आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है आप उसे भी एक बार रिवीजन कर लें जो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों एग्ज़ाम में इस बार CVC के बारे में आने की प्रबल संभावना है क्योंकि ये चर्चा में रहा है।
तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है मेरा लेक्चर, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें और लाइक्स ज़रूर करें। एक लाइक्स ही तो करना है, आप लाइक्स करते हैं तो मेरा मोटिवेट होता हूँ मैं कि आगे निश्चित तौर पर मैं और बेहतर कर सकूँ। कुछ सुझाव है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के डिस्कस ग्रुप में बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।